कांग्रेस के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सोलन नगर निगम चुनावों के सह प्रभारी केवल सिंह पठानिया ने की। उन्होंने इस मौके पर भाजपा को घेरने का प्रयास किया और भाजपा से किए गए विकासात्मक कार्यों का श्वेत पत्र जारी करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि उन्हें कार्यकर्ताओं के माध्यम से पता चला है कि सोलन में पानी की समस्या विकराल रूप ले चुकी है। स्ट्रीट लाइटें नहीं जल रही, पार्किंग की समस्या से लोग बुरी तरह जूझ रहे हैं, कूड़े की समस्या से शहरवासियों को निजात नहीं मिल रही। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि इन सभी के लिए शहरी विकास मंत्रालय से पैसा आया है, लेकिन खर्च कहां हुआ इसके लिए भाजपा श्वेत पत्र जारी करे। वहीं इस पर भाजपा के चुनाव समन्वयक पुरुषोत्तम गुलेरिया ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस प्रभारी फील्ड में मतदाताओं से भयभीत नजर आ रहे हैं, इसलिए वे फील्ड में जाने से भी कतरा रहे हैं और भाजपा से प्रेस वार्ता के माध्यम से श्वेत पत्र जारी करने का आग्रह कर रहे हैं। नगर निगम सोलन के चुनाव समन्वयक पुरुषोत्तम गुलेरिया और जिला अध्यक्ष आशुतोष बैद ने कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र राणा और सह प्रभारी केवल सिंह पठानिया को सलाह दी कि वे होटलों से निकलें और वार्डों का दौरा करें। केवल प्रेस वार्ता कर भाजपा पर आरोप लगाने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि सोलन की जनता उन्हें श्वेत पत्र देने को तैयार खड़ी है, यही वजह है कि कांग्रेस के प्रभारी मतदाताओं के बीच जाने से भी डर रहे हैं। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस के प्रभारियों ने वार्डों का दौरा होता तो उन्हें भाजपा से श्वेत पत्र मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि भाजपा द्वारा किए गए विकास सभी के समक्ष हैं और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा कांग्रेस को जवाब देगी, उनसे हिसाब भी लेगी कि विधायक दंडेराम शौंडिल ने आखिर 463 करोड़ रूपए कहाँ खर्च किए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के जो भी लीडर आ रहे हैं सोलन में, वो पहले रेस्ट हाउस तक आते थे, आजकल क्योंकि रेस्ट हाउस में नहीं बैठ पाएंगे इसलिए दाएं बाएं आकर कोई मुद्दा उछाल जाते हैं। उनसे आग्रह है कि फील्ड में आएं और फील्ड में आकर लोगों से मिलें, समस्याएं क्या हैं उनको उठाएं, लेकिन उनका ऐसा स्वभाव नहीं है, काम तो उन्होंने हवा हवाई करना है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भैया हिसाब भी देंगे और हिसाब लेंगे भी, क्योंकि आपके विधायक यहाँ पे बैठे हैं जो पूर्व में बड़े अच्छे रुतबेदार कैबिनेट में मंत्री रहे हैं और जिन्होंने सोलन का इन 8 सालों में सत्यानाश करके रख दिया है, उनसे हिसाब मांगेंगे भी और हमने क्या क्या किया है उसका हिसाब देंगे भी, श्वेत पत्र भी देंगे, लेकिन श्वेत पत्र पहले विधायक साहब से मांगेंगे। और इन्हीं के जो प्रभारी हैं आदरणीय राजेंद्र राणा जी, वो यहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए हैं कि हमारे विधायक साहब के द्वारा सोलन में 463 करोड़ रुपए का विकास किया गया है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि 4 अरब 63 करोड़ रुपया, ये 4 अरब 63 करोड़ रुपया सोलन में लगा कहाँ है, ये दिखाएं तो सही। श्वेत पत्र तो उसका मांगेंगे हम, कि हम तो लोगों के साथ सीधा संपर्क करके उनके सरोकार की जो समस्याएं हैं उनको सीधा फेस करके उनको उठा के उनको किस तरह से सॉल्व करना है, उस काम में हम लगेंगे दिन रात। और हम तो उस तरीके से सोचते हैं, लेकिन वो शायद सोचते हैं कि बाहर से प्रभारी आ गए, सह प्रभारी आ गए, यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और प्रेस वालों के माध्यम से अपनी बात रख दी, यानी कि कहीं ना कहीं अपनी हाई कमांड को वो दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत सक्रिय होकर चुनाव में लगे हैं। लेकिन हमारी आदत, हमारा स्वभाव तो फील्ड में जाकर काम करना है, और हमारे मंडल से ग्राम केंद्र, ग्राम केंद्र से हमारे त्रिदेव बूथ अध्यक्ष BLA और बूथ पालक, उसके बाद पन्ना प्रमुख तक हमारे लोग सक्रिय होकर काम में लगे हैं और इसी तरीके से हम काम करते हैं, काम में लगे हैं। मेरा मानना है अभी तक कांग्रेस पार्टी मात्र प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित है, उससे आगे उन्होंने ना तो बढ़ने का प्रयास किया है, ना उन्होंने कोई नीति निर्धारण किया है चुनाव को लेकर। जबकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख तक, त्रिदेव तक, हर जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संपर्क कर लिया है कि सारे वार्डों की, हमारी 17 के 17 वार्डों की मीटिंगें ग्राउंड पे प्रमुख नेताओं द्वारा हो चुकी हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी तरह से सजग है, चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। निश्चित तौर पर यहाँ नगर निगम भाजपा की बनेगी, 17 की 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर यहाँ विजयी होगी। मेरा आदरणीय राजेंद्र राणा जी और केवल सिंह पठानिया जी से आग्रह है कि वो नीचे जाएं और जनता की नब्ज टटोलें। मात्र प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पता नहीं लगेगा कि नीचे लोगों में क्या वातावरण है। लोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं,
पीछे भारतीय जनता पार्टी की एक रैली, एक बड़ी रैली ठोडो ग्राउंड में हुई, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करने के लिए आए हुए थे। और जब हमने चुनौती दी तो उन्होंने हमारे मुकाबले में एक रैली गंज बाजार में की, जिसमें मात्र 200 की संख्या तक वो रैली सीमित रही। आपको जब फील्ड में जाएंगे तो पता लग जाएगा कि इस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है। राजेंद्र राणा जी हमीरपुर में भी पिट चुके हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है, आदरणीय मुख्यमंत्री भी यहाँ दौरा करके गए हैं, जिसपे कि अभी भी त्राई त्राई मचा के रखी है सोलन की जनता ने। चौथे दिन पानी जो है, आज चौथे और छठे दिन जो है वो पानी सारा के सारा वार्डो में आ रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3 साल 2 महीने हो गए, म्युनिसिपल काउंसिल भी इनकी थी, तो एक तो हमें श्वेत पत्र चाहते हैं कि जो पिछली इनकी म्युनिसिपल कमेटी थी उन्होंने क्या क्या काम, अगर काम किए होते तो छठे दिन पानी नहीं आता। इनके 3 साल 2 महीने हिमाचल प्रदेश में सरकार को होगी, म्युनिसिपल कमेटी इनकी थी, पानी पे सोलन की जनता को जो है वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है जवाब दी। म्युनिसिपल कमेटी ने जो कामकाज किए, जो फीडबैक आया है, अधूरे काम है, उस पर भी वो श्वेत पत्र लेके आए। और तीसरा पार्किंग की समस्या, मैं कहता हूं अगर सरकार इनकी थी, मुख्यमंत्री यहां आए थे, मुख्यमंत्री ने बहुत सी घोषणाएं की, और मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री के 3 साल 2 महीने में दौरे कितने हुए, और क्या ये चुनावों के समय ही मुख्यमंत्री को सुनने याद आया। और पार्किंग की व्यवस्था जो है, मैं कहता हूं बिल्कुल 17 के 17 वार्डों में म्युनिसिपल कमेटी इनकी थी, पार्किंग की समस्या देने में वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है बिल्कुल जो है। और चौथा जो, क्योंकि मैं आज मैं बिल्कुल सुनने पर ही बात करूंगा, स्ट्रीट लाइट, म्युनिसिपल कमेटी भी इनकी और सरकार भी इनकी, और स्ट्रीट लाइट जो है, मैं कहता हूँ जो लोगों के बीच में नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, लोगों के साथ संपर्क कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं, आज वर्तमान में जो स्ट्रीट लाइट है उस पे, और चौथा स्ट्रीट लाइट पे भी जवाब दे, कितना पैसा प्रदेश, क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट का पैसा म्युनिसिपल कमेटी को आया है, वो उस पैसे का हमारा सीधा सीधा जो हमारे पास फीडबैक का दुरुपयोग हुआ है, पैसा खर्च हुआ है लेकिन लोगों को लाइट नहीं मिली, पैसा खर्च हुआ है पार्किंग नहीं मिली, पैसा खर्च हुआ है पानी नहीं मिला। पानी की स्कीम पे भी जब अधिकारियों से भी हमें फीडबैक ली तो उनके पैसा आया था, तो उस पर जरूर सोलन की जनता को ये जवाब दे। चौथा हमारा 5वां पॉइंट है सफाई, मैं कहता हूँ जिस तरीके से, क्योंकि मैं तो कांगड़ा का रहने वाला हूँ, अब सारे हमारे जो ऑब्जर्वर और हमारे पदाधिकारी जब जा रहे हैं, सफाई की व्यवस्था मैं कहता हूँ म्युनिसिपल कमेटी और वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है बिल्कुल फेल हुई है। आज जो मैं कहता हूँ उनके जो प्रभारी भी घूम रहे हैं उनको भी देखना चाहिए, जो जगह जगह बाढ़ वाइज लगाए हैं कि वास्तव में क्या है, स्ट्रीट लाइट है, पानी है, और मतलब डोर टू डोर जो उन्होंने कलेक्शन चलाए थे वो तो टोटली सोलन के अंदर फेल हुआ है।